तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट का जो हेडर है यानी कि आपका वेबसाइट का जो नाम होता है उसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ब्लॉगर में जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एडवांस लेवल की कस्टमाइजेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो हेडर लगाया है वो लग रहा होगा कि आपको इमेज है, लेकिन ये इमेज नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्चुअली टेक्स्ट ही है जिसको मैंने क्या किया है, अच्छे से कस्टमाइज किया है और बहुत ही ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव हेडर लग रहा है। तो आप अपने वेबसाइट में इस तरह के कस्टमाइजेशन को कैसे कर सकते हैं और आप अपने हेडर को किस तरह से इतना अच्छा अट्रैक्टिव और गुड लुक बना सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने हेडर को जो है कि सेंट्रलाइज कर सकते हैं यानी कि सेंटर में ला सकते हैं। हालांकि यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन में तो ये सेंटर में नहीं दिख रहा आपको, लेकिन एक्चुअली मोबाइल वर्जन में ये सेंटर में ही है। और किस तरह से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं और किस तरह से आप उसके थिकनेस को या फिर उसका जो स्टाइल है फॉन्ट स्टाइल है उसको चेंज कर सकते, इन तीन चीजों को ही मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में आपको क्या करना है, अपने साइट को खोल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कहीं भी खाली स्पेस जगह पे आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है या फिर अपने कीबोर्ड से आपको F12 प्रेस करना है। तो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, आप कीबोर्ड से F12 भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कि ये सेलेक्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने हेडर पे ले जाना है। तो आपका हेडर यानी कि वेबसाइट का जो हेडिंग होगा या फिर जो टाइटल होगा उस पर आपको एक बार इससे यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जो सेलेक्टर टूल ऑन हो जाएगा उसके बाद आपको इस पर हेडर पे आपको एक बार आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे उस हेडर का जो भी कोडिंग होगा HTML कोड होगा वो आपको इस तरह साइड में शो करना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल जो मेरा हेडर है उसमें ग्रीन कलर है, तो यहाँ पे ग्रीन मीन्स जो भी हेक्साडेसिमल कलर कोड है वो यहाँ शो कर रहा है, ऑलमोस्ट ग्रीन कलर का ही है। और बाकी का जो फॉन्ट स्टाइल है वो सब यहाँ शो कर रहा है और उसका अलाइनमेंट है और बाकी के जो फीचर्स हैं उस यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप में क्या है कि अगर आपका टेक्स्ट अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, अगर आपको उसे सेंट्रलाइज करना है, सेंटर में लाना है या फिर उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो उसे आप कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर की। ऑब्वियसली कोई भी आप थीम यूज कर रहे होंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई कलर तो होगा ही। तो जैसे ही आप उस पर इस तरह से क्लिक करने के बाद आएंगे तो वहां से आपको एक कलर का ऑप्शन मिलेगा। तो कलर के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखेगा। अगर आपको हेक्साडेसिमल कोड नहीं पता है कलर कोड का, आपने जो कलर पसंद किया उस कलर का कोड क्या होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो कलर का बॉक्स दिया होगा छोटा सा उस पर आपको एक बार क्लिक करना है और आपके पास जो कस्टमाइज कलर का ऑप्शन है वो आ जाएगा। अगर अब भी आपको यहां से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहां पे कलर पिकर टूल दिया हुआ है या फिर टूगल कलर पिकर ऑप्शन यहां पे दिख जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको यहां पे गूगल के जो विंडोज ओपन है उसमें से जो भी कलर आपको पसंद है उस कलर पे आपको क्या करना है, बस उस स्पीकर को ले जाके रख देना। जैसे मान लीजिए अभी मेरा हेडर का कलर का हेक्साडेसिमल कोड नहीं पता है तो मैं इस कलर के ऊपर एक बार इसको क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मेरा जो हेडर का कलर था पहले यही था। हाँ, तो इस तरह से आपको हेक्साडेसिमल कोड मिल जाएगा। तो आप यहाँ से एक बार कोड जानने के बाद यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है या फिर अगर आपने डायरेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वहां से ले लेगा। तो इस तरह से आप अपने हेडर का कलर चेंज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है कि जो फॉन्ट का स्टाइल है कैसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप मेरे देख सकते हैं फॉन्ट में लिखा है 948px और डैमनियन कर्सिव लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से क्या कहते हैं फॉन्ट का नाम आप बताएं, जैसे कि आपको अगर रोमन में चाहिए तो आप यहाँ पे रोमन टाइप कीजिए तो वो क्या होगा, रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अगर उसी तरह से आपको मान लीजिए दूसरा कुछ चाहिए, एरियल चाहिए, तो आप यहाँ पे एरियल का स्पेलिंग टाइप कर दीजिए और वो क्या होगा, फॉन्ट एरियल पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं यानी कि उसको थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं। अब आता है कि उसका सेंट्रलाइज, यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर मारा हुआ है, अगर उसके बाद भी आपका टेक्स्ट हेडर जो है क्या है कि वो सेंटर में नहीं जा रहा है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से उसका जो
पीएक्स है ना, यहाँ पे 48 पीएक्स लिखा हुआ है, उसको आप इंक्रीज करके आप देख सकते हैं कि किस लेवल तक वो जाने से एकदम सेंटर पे आ जाता है। तो वो जैसे ही आपको वो सेंटर, जैसे कि मेरा यहाँ पे 48 मैंने करके रखा था, तो 48 में क्या है कि मैंने अपने मोबाइल पे भी खोल के देखा, वो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाता है। तो इस तरह से आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि आपके पास जो डिवाइस अवेलेबल है उसमें ये कितने नंबर साइज पे एग्जैक्टली सेंटर पे आता है। और फिर आता है कि इसका थिकनेस, अगर आपको और इसके थोड़ा बोल्ड करना है, फॉन्ट वेट से तो हम उसे बोल्ड कर सकते हैं, बट आपको और ज़्यादा बोल्ड करना है तो यानी कि डीपीआई जो होता है ना, डॉट पर इंचेस, वो वाला अगर इंक्रीज करना है, अगर क्वालिटी और ज़्यादा हाईलाइट करना है तो आप इसको इंक्रीज करके देख सकते हैं। जैसे कि अभी 900 है, मैं अगर इसको 500 कर दूँ तो आप इसका देख सकते हैं थिकनेस कितना कम हो गया है। लेकिन अगर मैं इसको वापस से 900 कर दूँ तो आप इसको देख सकते हैं थिकनेस थोड़ा मोटा हो गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट का थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अलाइनमेंट सेंटर होने के बावजूद भी क्या है वो सेंटर में नहीं आता है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, जो पेडिंग का ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करके उसको लेफ्ट या फिर राइट शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेडिंग लेफ्ट मारा हुआ है, आप इसको जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, जैसे 1.5 cm है तो मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो चेंज हो रहा है। तो जैसे जिसमें आपका अच्छा दिखेगा उस जो साइज़ है उसको यहाँ पे आपको रहने देना, जैसे कि 1.5 में मेरा सही दिख रहा है तो 1.5 ही मैं छोड़ देता हूँ। अब सबसे मेन चीज़, आप यहाँ एडिट कर लेने से क्या है कि आपका वेबसाइट का फॉन्ट या फिर स्टाइल चेंज नहीं हो जाएगा। आपने जो जो चीज़ें यहाँ एडिट की है उसको आपको अपने ब्लॉगर के थीम में डालना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, मेन लोगो ब्लॉग टाइटल, इसको आपको कॉपी कर लेना है। और आपको क्या करना है, आपको ब्लॉगर डैशबोर्ड में आना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से थीम पे जाना है। यहाँ से आपको कस्टमाइज के साइड में ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से एडिट एचटीएमएल पे जाना है। जैसे ही एचटीएमएल फुल्ली लोड हो जाए उसके बाद आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल एफ प्रेस करना है, जिससे कि आपका सर्च बॉक्स खुल जाएगा एचटीएमएल का, और आपने वहाँ से जो कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट करना है और एक बार एंटर हिट करना है। एंटर हिट करने के बाद आपको हो सकता है वो चीज़ मल्टीपल जगह पे देखने को मिले, लेकिन आप एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि क्या क्या ऑप्शंस है, कलर है, फॉन्ट है, टेक्स्ट एलाइन है और पेडिंग लेफ्ट किया हुआ है। तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए कि कौन से ऑप्शन में मुझे एडिट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर है, फॉन्ट है, टेक्सटाइल है, सॉरी टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइन है और पेडिंग लेफ्ट है, यानी कि ये ऑप्शन जिसमें होगा मुझे उसी वाले लाइन पे क्या करना है, रो पे एडिट करना है। तो आप ये वाला देख सकते हैं कि ये वाला लाइन में ही वो कोड लिखा हुआ है, जैसे कि कलर है, फॉन्ट है, यहाँ पे बाकी का अलाइनमेंट वगैरह दिया हुआ है, तो मुझे इसी पोर्शन में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, आपने जो जो चीज़ें यहाँ पे चेंजेस की हैं उस सेम वैल्यू को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना। जैसे कि आपने अगर कलर कोड अलग दिया, कलर अलग दिया, तो यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिख जाता है, तो उस कलर में आपको क्या करना है, जैसे ये वाला कलर पोर्शन को आप चेंज कर दीजिए। फॉन्ट का वेट अगर आपको चेंज किया वहाँ पे, तो वहाँ पे जो वैल्यू आपने यहाँ पे चेक किया कि जिसमें वैल्यू में आपका लोगो अच्छा दिख रहा है, उस वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ से देख लेना है और उसको कॉपी करके यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है, पेस्ट कर देना है। फिर आपको उसी तरह से टेक्स्ट अलाइन अगर सेंटर नहीं है तो आपको यहाँ पे ही उस यहाँ से सेंटर को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इस तरह से सब वहाँ से सब कुछ कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने के बाद आपको इसको क्या करना है, सेव कर लेना है।